वसुंधरा ने किसी के लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपना घर के लिए किया है। महंगाई तो कर रखी है, ज़्यादा ही है तो सब कुछ महंगाई। पिछले 5 साल में वसुंधरा ने कोई काम नहीं किया। किसी भी ग्राम पंचायत में आप देख लो, उसमें केवल लोगों को लॉलीपॉप ही दिया है, काम नहीं किया है। बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ हवाई बातें होती है, वैसे कोई विकास नहीं हुआ है। भाजपा मेरी नज़र में तो किसान विरोधी है। सबसे बड़ा तो छल यही रहा युवाओं के साथ में कि इन्होंने किसी स्टूडेंट के लिए या एक युवा के लिए कोई कार्य नहीं किया। वसुंधरा राजे से तो यही शिकायत है कि वो थोड़ा घमंडी प्रकृति की है। राम मंदिर का मुद्दा उठाते थे, आज सरकारें बन गई, दो दो तीन दिन बाद इनकी सरकारें आ गई पूर्ण बहुमत की, मगर आज तक कुछ नहीं हुआ। क्योंकि उनको पता है जिस दिन मुद्दा पूरा हो जाएगा दूसरा मुद्दा क्या उठाएंगे। हितों की अनदेखी अगर पार्टी कर रही है तो निश्चित रूप से पार्टी से नाराजगी है। कोई एक व्यक्ति पार्टी की, मुझे नहीं लगता कि पार्टी के जो आंतरिक प्रजातंत्र होता है पार्टी में, उसके खिलाफ जा सकता है। राजस्थान का आने वाला असेंबली इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से कास्ट कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्शन में बदलता हुआ दिख रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो अपर कास्ट हैं यहाँ पे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से, उनके लोगों से हमने बात करने की कोशिश की, वो क्या सोच रहे हैं वो जानने की कोशिश की। स्वर्ण समाज के निश्चित ही बहुत सारे पिछले 3 साल में इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिससे देश बहुत अच्छे से वाकिफ है। भले वो जिसको हम सनातन संस्कृति में बहुत ज़्यादा सम्मान से देखते थे, पद्मिनी जी का विषय हो, जिस पर एक व्यवसायी को हित साधने का काम सरकारों ने मौन सहमति देकर के किया, निश्चय वो बहुत संवेदनशील मुद्दा था और बहुत सारे लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा था। उस पर बहुत सारे लोगों की आस्थाएं आहत हुई। जिस तरीके से सरकार ने एक व्यवसायी को कहीं ना कहीं संरक्षण दिया, आहत भावनाओं का इजहार अब करने का समय उनके पास है। प्रजातंत्र में निश्चय ही चुनाव अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाने का सबसे बेहतर तरीका होता है और निश्चय ही लोग उस मुद्दे को लेकर के सरकार से, वर्तमान में जो सरकार है उनसे नाराज है। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट इशू सामने आया वो ये था कि रिजर्वेशन पॉलिसी की बात है। रिजर्वेशन पॉलिसीज में जो मोटा मोटी बात लोगों से बात करके पता चली वो ये है कि वो ब्लैंकेट बैन की बात नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन पे, लेकिन उनका ये कहना है कि रिजर्वेशन होना चाहिए लेकिन राइडर्स के साथ, जो डिजर्व करते हैं उनको रिजर्वेशन मिले, और जिन्होंने रिजर्वेशन से एक बार फ़ायदा उठा लिया दोबारा उनके आगे वाली जनरेशन को वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। जो आरक्षण एक दफा मिल गया तो उसको आरक्षण से हटा देना चाहिए। ये मुद्दा सर्वण का नहीं है, जो आरक्षण में शामिल हैं एससी एसटी वगैरह उनका भी है। ये जैसे ये सरकार की योजनाएं हैं लागू करते हैं, क्या सर्वण समाज के अंदर गरीब नहीं है, उनके लिए लागू नहीं है ये योजनाएं? क्यों, क्या सर्वण समाज ही ऐसा पाप किया इन्होंने जो सर्वण के यहाँ जन्म ले लिया तो उनके लिए कुछ योजना लागू नहीं? दूसरे मुद्दे हैं ये जो नोटबंदी हुई ने, इससे देश को कोई बहुत ज़्यादा कोई लाभ वाली बात नहीं हुई है। जो अपर कास्ट कम्युनिटी है वो बीजेपी से बहुत नाराज़ दिख रही है। उनमें मोटे मोटे पॉइंट्स ये हैं कि जो एससी एसटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट किया था और ये डायरेक्शन दिया था कि केस फाइल होने के तुरंत बाद पुलिस अरेस्ट ना करे, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अरेस्टिंग होनी चाहिए, और भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिए थे, लेकिन उसको गवर्नमेंट ने वो किया, चेंज किया और उस पर नया कानून लेके आई, उससे लोग बहुत नाराज़ हैं। सिखावटी के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी एट्रोसिटी एक्ट के अंदर जो संशोधन किया था, और वो बिल्कुल सिंपल थे, हर आम आदमी के मौलिक अधिकार को बहाल करते हुए थे कि आदमी को गिरफ्तारी से पहले प्राथमिक जांच का मौका मिलना चाहिए, उसके खिलाफ क्या सबूत है, उसके पक्ष में क्या सबूत है, उसको सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। दूसरी बात, सक्षम अधिकारी की जांच अधिकारी को सक्षम अधिकारी से परमिशन लेनी चाहिए गिरफ्तारी से पहले। तीसरी चीज़, अगर राज्य की सेवा में कोई व्यक्ति है तो उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, उससे गिरफ्तारी से पहले परमिशन ली जानी चाहिए। चौथी बात कि उसका अग्रिम जमानत का जो अधिकार है हायर कोर्ट से, वो बहाल रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार होता है, मौलिक अधिकार में आता है, ये एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि उसको मौका मिलना चाहिए कि वो सिद्ध कर सके वो सही है या गलत। सबसे पहली बात मेरी तरफ से तो यही है, कोई नहीं लागू रखो, कोई नहीं, आपका जो एस सी एस टी है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम सबसे पहले ये करना चाहिए इनको कि कम से कम डायरेक्ट
गिरफ्तारी ना करे, SC ST एक्ट में बोल रहा हूँ, डायरेक्ट गिरफ्तारी ना करे, ये गलत है, ये गवर्नमेंट ने किया। इस विवाह पे मैं मोदी गवर्नमेंट को भी गलत मानता हूँ। आप मुझे बताइए, यहाँ तो ये कौन तय करेगा कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है? बिना जांच के आप अंदर डालोगे तो IPC के ही अगेंस्ट है। इंडियन पेनल कोड जो है उसकी मूल भावना की हत्या है। स्वर्ण समाज से आने वाले गैंगस्टर आनंद पाल का इनकाउंटर किया था राजस्थान पुलिस ने। वो यहाँ का बहुत बड़ा चुनावी सवर्णों में वो बड़ा चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है। राजपूत कम्युनिटी से आनंद पाल, जिनको कहते हैं गैंगस्टर थे, उनका एनकाउंटर हुआ, उस मुद्दे पर लाखों लाख लोग इकट्ठे हुए, लाखों लाख लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया और हजारों लोगों पे मुकदमे लगे, बेवजह मुकदमे लगे। उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया गया जैसे वो लोग आतंकवादी। मुझे लगता है प्रजातंत्र की खूबसूरती है, आप सड़क पे उतर करके अपनी हर बात को, जायज बात को रख सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उन लोगों पे मुकदमे लगा दिए गए जो अपनी बात रखने गए थे कि हमें संदेह है कि आनंद पाल का एनकाउंटर फेक है। राजस्थान में आनंद पाल सिंह एनकाउंटर हुआ था, उसमें राजपूत समाज में बड़ा आक्रोश है, बड़ा विरोध है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उसमें उनको ये लगता है कि जो रूलिंग पार्टी है उसके इशारे पे जो आनंद पाल है वो समर्पण करना चाह रहा था, समर्पण नहीं करने दिया गया उसको, और ताकि कई राजनेताओं के राज नहीं खुले जिनसे लिंक थे, जिनके वो काम करवाते थे उनसे, वो राज नहीं खुले, इसलिए उसका एनकाउंटर करवा दिया गया। उसके साथ साथ कई और इश्यूज पे हमने बात किया, जो किसानों का मुद्दा है, किसानों के लिए जो वादे सरकार ने किए थे उस पर वो खरी नहीं उतरी। किसान के अभी ये मुद्दे हैं कि किसान का सबसे पहले तो उनको कोई समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। आज MSP अभी आप जैसे जितनी लागत हो रही है उससे कम से कम 60% किसान को घाटा है। आज 40% वापिस आते हैं, चाहे आप सब्जी में देख लो, चाहे गेहूँ में देख लो, बाजरे में देख लो, मोट गंवार में देख लो, जितनी फसल की उपज होती है उसका समर्थन मूल्य किसान को नहीं मिल रहा है। किसान को जो पानी की समस्या है, आज खेती तो बहुत दूर की बात है, लोगों के आसपास के एरिए के अंदर पानी बहुत कम हो गया है, जो यहाँ कोई उद्योग धंधा तो है नहीं, खेती के ऊपर निर्भर है सब लोग, खेती होगी तो वो पशु करेंगे, और जो नेट तो खेती लाभदायी का सौदा रहा है, एक पशुओं पर अलग अलग प्रतिबंध लगा दिया कि भाई गाय है वो नहीं आप यहाँ से ले जा सकते, बेच सकते, वो नहीं है। किसान तो बकरी है, गाय है, भैंस है, ये पालता है, ये आय का एक्स्ट्रा साधन है खेती में, वो चीज़ें हैं जो किसान के ऊपर ये मार पड़ रही है। वो तो नारा दे देते हैं कि भाई ये गाय है, इसको मत बेचो, मत खरीदो, मत ले जाओ। किसान यदि बकरी गाय ये पशु नहीं पालेगा तो वो कोई इंडस्ट्री तो है नहीं, तो वहाँ कोई काम करने चला जाए। किसानों को वर्तमान में धरातल पे तो कुछ मिला नहीं है। अभी आप जैसे ये दुकानें इनकी मंडी में कर रखी है जैसे समर्थन मूल्य की, वहीं गेहूँ खरीदेंगे तो वहाँ जाते हैं तो उनको पहले तो किसान को कहते हैं कि जमाबंदी लाओ, आपका वो क्रेडिट कार्ड लाओ, आधार कार्ड लाओ, वो इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि किसान उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। फिर जाएंगे तो उसमें वो एक नंबर का गेहूँ लेंगे। अब किसानों के तो किसी के हल्का भी हो जाता है तो किसी के भारी भी हो जाता है। क्या दे दिया सरकार ये तो बताओ, है किसानों को दे क्या दिया? न बीज उपलब्ध होता है, न कोई खाद उनकी तरफ से उपलब्ध होता है। कीमत से लेते हैं ठीक है, जो पहले लेते थे आज भी ले रहे हैं। कहाँ पानी फ्री है क्या? क्या दे दिया इन्होंने? आंकड़े देते हैं। अब ये अभी राजस्थान सरकार ने, जैसे वसुंधरा ने ये कहा कि हम आपको 833 रुपये बिजली के बिल के माफ़ करेंगे किसानों के, उसके अंदर कितने पेज लगा दिए, बामाशा कार्ड देओ जमा कराओ और आधार कार्ड जमा कराओ, वो फलाना कराओ और बिल पूरा जमा कराओ, आपके बिल में पैसे आ जाएंगे, अगले बिल में काट देंगे हम। ऐसा क्या है? क्यों यदि पास ही करना है तो वो बिल कम करके ही भेजे ने, ये आंकड़े ही तो रहे हैं इनको, तो कर कुछ रहे हैं। बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। बिजली की क्या है कि हमें 5 घंटे बिजली देते हैं 3 फेज, 10 बजे से सुबह 3 बजे तक, रात को 3 बजे हो गई, सुबह 8 बजे तक, तो वो रात को 3 ही हो गई, रात ही हो गई वो 3 बजे वाली, और फिर एक हफ्ते देते हैं वो अपने हिसाब से रात को 10 बजे, वो सुबह 3 बजे तक, तो दोनों रात को ही मानो आप, तो दिन तो हुआ ही नहीं ना।
सुबह 3 बजे हुई तो वो सुबह का तो हुआ ही नहीं, रात का ही 10-3 बज गए। वो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। किसान को दिन में बिजली मिलनी चाहिए। ठंडक इतनी, दिसंबर और जनवरी में इतनी पाला पड़ता है ना, उस पाले में क्या करें, मजबूरी में करना पड़ रहा है। और हर साल हमारे आसपास एक दो किसान खत्म भी हो जाते हैं इससे, ठंडक की वजह से। क्या करे, तो वो मजबूरी में उठ के फुहारे चेंज करेगा, वो भीग जाएगा, भीग जाएगा तो वो घर वाले ध्यान नहीं देंगे तो वो खत्म भी हो सकता है। हर साल एक दो होते हैं हमारे आसपास किसान मर जाते हैं, क्या करें बेचारे। जो हमारे बच्चे हैं वो ये नीचे वाली पीढ़ी, वो खुद नहीं चाहते कि भाई हम खेती में जाएं, क्योंकि वो नुकसान का सौदा है। और फिर हम भी नहीं चाहते कि भाई खेती में आए, क्योंकि हम खुद ही नुकसान में, तो बच्चों को और नुकसान में क्यों गिरे। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी और वसुंधरा राजे की सरकार है उसके लिए एक अलार्मिंग बेल है। हमेशा पलीता लगाते, चुनाव जब आते सुलगाते हैं कि बस जल्दी होने वाला, इस बार कर देंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। मगर धर्म के नाम पे जब जनता ने कहा ये बार बार काठ की हांडी चढ़ा चुके हैं, इस बार नहीं चढ़ेगी, तो इन्होंने हिंदू समाज को दो हिस्सों में बांटने की कोशिश की, दलित और गैर दलित, ध्रुवीकरण किया। तो समाज में विभेद पैदा हुआ। जो भाई हमारे साथ काम करते थे, साथ रहते थे, उठते बैठते थे, आज उन्हें मन में वैमनस्य हो गया। तो बांटने की राजनीति है, हम इसका विरोध करना चाहते हैं। जो भी शोषित पीड़ित वर्ग है उसके प्रति सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर कोई अन्याय होता है तो उसको रोकने की। GST जो पहले 2 साल पहले जब ये GST का मामला जब आया था, तो हमारे सामने, जनता के सामने यही आया था कि जो टैक्स, जितने प्रकार के टैक्स हैं, वो प्रोडक्शन पर ही वहीं गेट पर ही लग करके फिर आएगी। लेकिन इसका जो प्रदर्शन है, इसको दुकानदारों को बहुत तकलीफ हो रही है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। एक युवा पूरी अपनी पढ़ाई करता है, उसके बाद में वो, उसके घर वाले, पूरा समाज उससे अपेक्षा करता है कि ये अब कुछ कार्य करे, कुछ आगे बढ़े। तो यहाँ पे ऐसा, यहाँ के युवाओं को बाहर जाना पड़ रहा है, या तो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करे, गवर्नमेंट जॉब की, और उसमें भी क्या है, साल में 10 गवर्नमेंट नौकरियां निकली, उसमें से 8 हैं वो किसी सरकारी पेच में फंस जाएंगी। आप बहुत सारे जितने भी पिछली गवर्नमेंट जॉब्स निकली, आप उनके बारे में सर्च कर लीजिए, मैक्सिमम जो है वो या तो सुप्रीम कोर्ट में अटक रखी हैं, या उनको रद्द कर दिया गया है दूसरी भर्ती। तो जैसे पहले कहा जाता था कि 3 फेज होते हैं एग्ज़ाम के, पहला रिटर्न होता है, उसके बाद में इंटरव्यू होता है, उसके बाद में डॉक्यूमेंटेशन होता है। राजस्थान के अंदर थोड़ा अलग है, रिटर्न एग्ज़ाम भी होता है, उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी होता है, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद में एग्ज़ाम रद्द होती है, फिर वापस से फॉर्म भरा जाता है, उसके बाद में आपकी एज ओवर हो जाती है। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को बदलना होगा। राजस्थान में 60 डिवीजन हेडक्वार्टर्स है, जयपुर राजधानी है, मगर भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का दावा करती है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता होने का दावा करती है। 19 राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार है। उस राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज सीकर आता है, तुरंतपुरम में दौरा बनता है, यहाँ प्रस्ताव होता है, उनका सभा की जाती है, और लाखों की भीड़ के जो दावे करते हैं कि 5 लाख से कम में भीड़ में अमित शाह जी जाते नहीं है, और सिर्फ 5,000-10,000 की भीड़ में वो उनकी सभा सिमट कर जाती है, खाली पंडाल के आपने देखे होंगे वीडियो। वो जनता जिनके साथ नहीं है उसका कुछ भी नहीं हो सकता। सर, मेरी इच्छा ये है कि राजस्थान में वसुंधरा नहीं आनी चाहिए। कारण ये है, इसने कुछ नहीं किया है राजस्थान में, जनता को बौखलाया गया है और कुछ नहीं किया है। जो वादे किए वो सब झूठे हैं। पूछ के देते हैं हम तो वोट, हमारे सब परिवार वाले देंगे उसको, हम देंगे वोट। ये था सीकर के स्वर्ण समाज और राजस्थान के स्वर्ण समाज का मूड, जो मैंने आपके सामने, हम लोगों ने आपके सामने लाने की कोशिश की।